अगर आपके पास है आम के खाली पेटी तो उसे फेंक ना दे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको एक फोटोग्राफी बैकग्राउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको डिसअसेंबल करना है और इसके ऊपर जो स्क्रूज या फिर खीले रहेंगे वो सब निकालना है। ध्यान रखिए आपको लकड़ी को तोड़ना नहीं है, अच्छे से निकालना है। और जो शीट्स आपको पसंद आएगी उसको आप एक के बाजू में एक रख के ऐसे अरेंज कर ले ताकि अपना एक बेस बन जाए बैकग्राउंड का। और जब आप बैकग्राउंड के पैटर्न से खुश रहेंगे तब फिर वो लकड़ी को एक साथ बांध के रखने के लिए आपको उसके पीछे साइड पे दो तीन अलग से जो एक्सेस स्ट्रिप्स बची रहेगी उसको अटैच करना है। ये आप खीले से या फिर हॉट ग्लू से भी कर सकते हैं। फिर हमें हमारे बैकग्राउंड को सैंड पेपर से घिसना है ताकि उसके ऊपर कुछ अगर एक्सेस लकड़ी या फिर कुछ कलर वगैरह लगा रहेगा तो वो भी निकल जाए और उसके अंदर के जो रेश है उसका जो पैटर्न है वो भी थोड़ा उभर के आ जाए। तो ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर एक्रेलिक कलर मार सकते हैं आपको जो पसंद रहेगा वो, या फिर इसको ऐसा ही रख सकते हैं। मैंने इस बैकग्राउंड पे टचवुड का एक सिंगल कोट लगाया है क्योंकि मुझे ब्राउन कलर्स थोड़े से डार्क और कॉन्ट्रास्टी चाहिए थे। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ये बैकग्राउंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एक रॉ इफेक्ट दे रहा है हमें इस फोटो में। तो ये जुगाड़ आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको आम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये अपना देसी जुगाड़ पसंद आया रहेगा तो कमेंट में जुगाड़ लिख के मुझे बताइए कि आपको ये जुगाड़ पसंद आया करके।